आज हम लोग एम करीम का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे वो टॉपिक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। और इसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के पेज नंबर 437 टू 445 में आपका चैप्टर 1 है। तो ये इस चैप्टर में जो भी पार्ट 4 वीडियो होगा, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 टू 21 को सॉल्यूशन करेंगे। पीछे का सॉल्यूशन 1 टू 15 का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, आप पीछे का सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स 3.2 × 10⁻¹⁷ सेकेंड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, देन हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। तो देखिए इसमें करना क्या है, बेसिकली कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स 3.10⁻¹, मतलब ये है कि सपोज कोई हाइड्रोजन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो गिवन टाइम है इतना टाइम लगाता है ना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो, बेसिकली टाइम पीरियड हो गया है ना। इट इज टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड टी। तो आपको क्या पता है क्वेश्चन में, टी पता है। और इफ द इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, करंट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ई बाई टी। अब एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹। आप करंट निकाल रहे हो तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपॉन टाइम पीरियड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6.25 × 10⁻¹⁵। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे है ना, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 1.6 × 6.25 × 10⁻⁴। तो इसको फिर फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर, या आप लिख सकते हो 5 mA, ठीक है ना। तो एक बार कैलकुलेशन बस आप कर लीजिएगा, बहुत इजी से कैलकुलेट हो जाएगा आपका। इसको एक बार देख लेते हैं, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, इसी पेज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करें। जहां भी आपको नीट लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेकिंग 6.25 × 10⁻¹⁵ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, अच्छा पर सेकेंड है ना, देन कैलकुलेट हाउ मच करेंट इज कंस्टिट्यूटेड। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को जब सॉल्व करना है तो यहाँ आप क्या करोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई टी है ना, ई बाई टी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6.25 × 10⁻¹⁵ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और रोटेशन पर सेकेंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/T है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइंड किया है नंबर ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि ये 6.25 × 10⁻¹⁵ रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, इट मींस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना है, 6.25 × 10⁻¹⁵। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो आई इज इक्वल टू ई बाई टी, तो 1/T की जगह क्या लिख दें, F × E। फ्रीक्वेंसी कितना है, 6.25 × 10⁻¹⁵ और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास 6.25 × 1.6 और यहाँ पे 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.25 × आपको इंटू करना है 1.6। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा
6.25 इंटू 1.6 करोगे तो 10 × 10⁻³। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 10 to the power ये -4 है, 1 × 10⁻³ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से जब आप 10 हटाओगे, है ना, ये 10 अगर आप हटा रहे हो तो यहाँ से पावर क्या लाना होगा, पावर -3 लाना होगा, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 mA आप लिख सकते हो, और बुक में भी आपका 1 mA आंसर है ना। तो ये रहा आपका, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट रखिए, है ना, जहाँ भी आपको नीट लगे आप स्क्रीनशॉट रखिए, और ऐसे और भी वीडियोज के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लगभग हर चैप्टर का सॉल्यूशन आने वाले टाइम में मिलेगा हमारे चैनल पे। तो बहुत दिन बाद अगर वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख रहे हैं चैनल, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आ चुके होंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट में, और आपको इस चैप्टर का अगर थ्योरी वीडियो चाहिए तो उसका भी प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से थ्योरी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ m/s, मतलब स्पीड इलेक्ट्रॉन का कितना है, 2 × 10⁶ m/s इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻¹ मीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 5 × 10⁻¹ मीटर रेडियस हो गया। देन कैलकुलेट करंट इन द ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट में हमने करंट की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आई फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन एटम का स्पीड दे रखा है ना, तो देखिए अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाई टी। अब 1/T फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने अभी अभी आपको सिखाया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, F × E लिख सकते हो, क्या चार्ज हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या है, F × E। अब एक और चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए, टाइम पीरियड जो होता है ना, T = 2π/ω होता है, ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं आपको याद है तो याद रखिए, टाइम पीरियड जो होता है 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, देखिए इस रिलेशन से। तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह चाहे तो ω/2π लिख सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी की जगह ω/2π। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे ω/2π। तो देखिए ω e मतलब इलेक्ट्रॉन अपॉन 2π, ω/2π, ठीक है ना। अब देखिए एक और रिलेशन, यहाँ थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें सर्कुलर मोशन से आपको याद रखना होगा, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर रोटेशन कर रहा हो या रिवोल्यूशन, है ना, अगर ये है तो इसका जो वी होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जहाँ आर इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, ऐसा रिलेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, अदरवाइज आप याद रख सकते हैं। तो देखिए अब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V/R। ऐसा हम लोग क्यों करें, देखिए क्योंकि अपने पास जो डाटा है ना, चूंकि हमने करंट निकालना है और डाटा अवेलेबल क्या है, सिर्फ V, तो हमें कहीं ना कहीं इस करंट के फॉर्मूले को V के फॉर्म में लाना ही होगा। तो I इज इक्वल टू ओमेगा के जगह क्या रख दूं मैं, V/R(E/2π). अब इसको आप सॉल्व करिए, V दे रखा है ना क्वेश्चन में, 2 × 10⁶ अपॉन रेडियस कितना दे रखा है, 5 × 10⁻¹ इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं, करंट निकालना है इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 2π, है ना, 2 × 3.14। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पोर्शन का कैलकुलेशन करना होगा, है ना, इस पूरे पोर्शन का हमने कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन देखो आप, 2 से 2 तो यहीं कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बाकी आप देख लो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर कर लोगे आप तो आपके पास 0.1 × 10⁻²⁰ आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपके पास, कैलकुलेशन बस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, काफ़ी ईजी कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा 10⁻²⁰। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेगा, तो कुछ कुछ चीज़ें सर्कुलर मोशन से हमने काम में लिया है, चूंकि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और भी वीडियोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं, आप जहां भी नीड हो आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, है ना, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। ठीक है, तो लिखते चलते साथ में जो भी गिवन डाटा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 0. मतलब इसकी जो स्पीड है v वो कितना है, 0.314 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट इन द सर्किट। आपको किसी भी पॉइंट पे करंट निकालना है, v और r पता है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को हमने पीछे एक्सप्लेन किया है, इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला हमने निकाला है, फॉर्मूला देखिए जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू वी ई आर अपॉन 2 पाई। कैसे आया इसके लिए आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल देखिए, मैंने पूरा बताया है कि इस फॉर्मूले से कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचे, है ना। तो एक बार आप इसको देखिए, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का उस क्वेश्चन में यूज करेंगे, आई इक्वल टू वी वाई आर ई इंटू 2 पाई, है ना, आई इक्वल टू वी वाई आर, है ना, ई अपॉन 2 पाई, बस यही है। v की वैल्यू कितना हो गया, 0.314 इंटू 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन रेडियस कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2 इंटू 3.14। तो बस इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, पावर वगैरह को समराइज करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। अब आंसर आपका मिली एम्पियर में है तो माइनस 6 का मतलब मिली माइक्रो होता है, सॉरी माइक्रो एम्पियर में है तो माइनस 6 का मतलब माइक्रो होता है, तो 0.5 माइक्रो एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा जो रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं उससे अलग क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपको रख लीजिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इट इज ऑब्जर्व दैट एक्स इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाई प्रोटॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन, देन कैलकुलेट द करंट। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, करंट जो होता है, करंट वो करंट का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके उल्टा होगा। एंड करंट के लिए प्रोटॉन के सेंस में बात करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन हो। देखिए तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा एक और चीज, करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करेंट फ्लोइंग पर यूनिट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हम लोग जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको करेंट निकालना है तो जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो सब, तो क्वेश्चन में तो पर सेकेंड ऑलरेडी है, यानी हम सिर्फ क्यू की बात करेंगे, टी का बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि पर सेकेंड 1 सेकेंड की पूछा है हर सेकेंड, है ना, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 है ना, तो आई इक्वल टू क्यू। अब क्यू का मतलब यहाँ फॉर्मूले में क्या है, चार्ज है ना, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो एक्स इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स, मतलब जैसे देखिए क्यू जो होता है, क्यू इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ, आपको चार्ज निकालना है तो एन इंटू ई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपके पास एक्स इलेक्ट्रॉन है एंड वाई प्रोटॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, वाई प्रोटॉन है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, एंड एक इंटू इलेक्ट्रॉन, तो इंटू इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, देखिए आपके पास यही आंसर है क्या, आई इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई इंटू ई, चूंकि टोटल चार्ज ही निकालना है ना, तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका है, हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा ही है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में क्यू इक्वल टू एन ई पर सेकेंड बात किया है, तो टाइम को कंसिडर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1/T का मतलब ऑलरेडी पर सेकेंड होता है। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि पांच क्वेश्चन का सेट होता है अपना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 जो था वो 20 से ही रिलेटेड था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम लोग देख लेते हैं। इन द एवर क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो या तो किसी में जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू, है ना, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, तो करंट किधर फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट, है ना, या जिधर इलेक्ट्रो प्रोटॉन चल रहा है उधर, है ना, तो राइट टू लेफ्ट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट टू लेफ्ट आंसर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो में अगले कुछ और सॉल्यूशन और कुछ और वीडियो लेक्चर्स के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।